क्वेश्चन देखते हैं इसका फाइव नंबर। 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, दिखाना sin इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x बाई 2, cos इनवर्स 1 प्लस x बाई 2 और tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x। तो एक एक करके इसमें इसको लेंगे और इसको लेंगे और ये लाएंगे, तो यहाँ पुट करना होगा हर एक के लिए। हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे cos थीटा, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि ये लाना है तो cos इनवर्स में है, यानी कि cos थीटा ही पुट करना होगा, यानी थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमें ये लाना है ना इन सब से, तो cos ही पुट करते हैं। चलो इसको पहले लेते हैं, sin इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x बाई 2 के लिए, sin इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा बाई 2, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका, तो यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं sin इनवर्स, ये देखो रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और बाई में 2, 2 से 2 हट गया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यानी आ जाएगा sin इनवर्स sin थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2, यानी कि यहाँ से निकल गया थीटा बाई 2। अब थीटा का वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x ना, तो आ गया ना 1/2 cos इनवर्स x। अब फिर इस वाले पार्ट को लो, सेम वही है, उसी टाइप का है, cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x बाई 2, cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा बाई 2। चलो यहाँ फॉर्मूला लगा दो, cos इनवर्स इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और बाई में 2 है, 2 से 2 हट गया, स्क्वायर से रूट हटेगा, cos इनवर्स cos थीटा बाई 2, ठीक है, समझ रहे ना। चलिए तो यहाँ से ये हट जाएगा ना, बच जाएगा थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 यानी थीटा का वैल्यू यहाँ रख देंगे 1/2 cos इनवर्स x, यहाँ भी आ गया। अब इसको लेते हैं, चलिए इसको लेते हैं, तो आपका है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई में 1 प्लस एक्स, यही है ना आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स। चलो यहाँ भी पुट करते हैं, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बाई में 1 प्लस कॉस थीटा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, और नीचे आप अभी वही रहने दो। अब इसके बाद दोनों के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स इसका होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और नीचे वाले के लिए हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एक cos से एक cos गया और 2 से 2 गया, sin बट्टा cos tan थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो यहाँ से tan से tan इनवर्स हट गया, थीटा बाई 2 यानी कि 1/2 cos इनवर्स x यहाँ से भी आ गया, तो प्रूफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन